सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हेडिंग टैग क्या होते हैं और पैराग्राफ टैग क्या होते हैं, और हमने कुछ बोल्ड, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, ईएम टैग के बारे में जाना था। अब मैं फटाफट से एक ट्यूट 6.html वाली फाइल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक बॉयलर प्लेट कोड को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब टाइटल के अंदर मैं ये डालता हूँ, लर्न अबाउट लर्न अबाउट एंकर टैग। ठीक है, लर्न अबाउट एंकर टैग एंड इमेज टैग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया। अब जैसे ही मैं अपने लाइव सर्वर में जाऊंगा तो यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइटल है वो चेंज हो चुका है। अब फटाफट मैं अपने बॉडी टैग के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक एंटर टैग ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एंटर टैग का काम क्या होता है। ठीक है, अब मान लो हमारी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक वेबसाइट है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक इमेज डाल रखी है। ठीक है, अब अगर जैसे ही कोई उस इमेज पे क्लिक करे, ठीक है, तो वो दूसरी वेबसाइट में पहुंच जाए, दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाए, तो वो हम कैसे काम करते हैं। तो जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में ट्यूट 5.html बनाई थी, अब इसके अंदर हमने कुछ कोड लिख रखा है। ठीक है, तो हम उसको लिंक करके देखते हैं। एचडीएफ के अंदर हम डालेंगे ट्यूट 5.html, डाल दिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि उस चीज का हम नाम क्या रखें, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ गो टू ट्यूट 5। ठीक है, अब फटाफट मैं अपने लाइव सर्वर में जाऊंगा और यहाँ मेरे को एक टेक्स्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे अपने ट्यूट 5.html वाली जो फाइल थी उसमें जो कोड लिखा था उस कोड में आ चुका हूँ मैं। ठीक है, तो हमने ये सारा कोड लिखा था। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं ट्यूट 4.html लिखता हूँ और फिर से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ट्यूट 5 है तो ट्यूट 5 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूट 4। लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फोटोग्राफर वेबसाइट आ चुकी है जो कि हमने ट्यूट सिक्स ट्यूट 4.html में यहाँ पे लिखा था, फोटोग्राफर वेबसाइट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट के बारे में बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एक ये लिंक है। ठीक है, अब मेरे को इस लिंक को नए टैब पे खोलना है, बट ये खुल यहीं पे रही है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी लिंक है ये नए टैब पे खुले, तो वो मैं कैसे करना चाहता हूँ, वो मैं ऐसे करूंगा। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का नाम दूंगा टारगेट अंडरस्कोर और लिख दूंगा यहाँ पे ब्लैंक, सेव करूंगा, फिर से जाऊंगा और जैसे ही मैं अब क्लिक करूंगा तो हमारी जो फाइल है, जो हमारी वेबसाइट है, वो दूसरे टैब पे खुल जाएगी। सो सिंपल। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ मैंने एक लिखा है तो मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। लिख दिया। अब इनके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम मल्टीपल कर्सर्स कैसे ला सकते हैं, तो ऑल्ट को प्रेस करूंगा और यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इन सबको हटा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा https://. अब मैं इसके अंदर लिखूंगा www.google.com। ठीक है, google.com। ठीक है, अब मैं नीचे वाले में लिख देता हूँ tutor.com। ठीक है, और नीचे वा और इससे भी नीचे वाले में लिख देता हूँ linkedin.com। ठीक है, linkedin.com। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है linkedin.com। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट शो होगा उसको मैं चेंज कर देता हूँ। जो मेरे टेक्स्ट शो होगा वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए गूगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो आए मेरा ट्विटर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विटर आ चुका है और लास्ट वाले मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए लिंक्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आ चुका है। अब जैसे मैं अपने लाइव सर्वर में जाऊंगा तो यहाँ मेरे को कुछ लिंक्स मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ मेरे को कुछ लिंक्स मिल चुकी हैं। अगर मैं ट्यूट 4.html पे, मतलब ट्यूट 4 वाली जो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा फोटोग्राफर वेबसाइट पे। अब जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो मैं गूगल पे आ जाऊंगा, और तो और मैं ट्विटर पे क्लिक करूंगा तो मैं ट्विटर पे आ जाऊंगा। अब
ये सारे जो लिंक्स हैं ये मेरे नए टैब पे खुल रहे हैं, ये कैसे खुल रही हैं, ये एक टैग की मदद से खुल रही हैं, ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो नहीं खुलेंगी, ठीक है। अब मैं फिर से ट्विटर में जाता हूँ तो ट्विटर खुल गया, लिंक्डइन पे जाता हूँ तो लिंक्डइन भी खुल चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई इमेज पे क्लिक करे, ठीक है, कोई इमेज पे क्लिक करे तो वो दूसरी वेबसाइट पे कैसे पहुंच सकता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक एंटर टैब खोलूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ फाइल पार्ट डालता हूँ, ठीक है। अब मैं फाइल मतलब अब मैं यहाँ पे डालता हूँ अपनी इमेज का, इमेज की लिंक, ठीक है। अब मैं इमेज कहाँ से लाऊंगा, इमेज लाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है unsplash.com, ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पे सारे बैकग्राउंड्स हर चीज इमेज आ जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर मेरे को जैसे कि एक ये वाला बैकग्राउंड मिल चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करूं और इसके जो लिंक है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूं और फिर से जाऊं इनके टैब टैग पे और यहाँ मैं लिंक को डाल दूं और इसके अंदर लिखूं इसके अंदर लिख देता हूँ गो टू गूगल, ठीक है। बट हमें पता है ये जो बैकग्राउंड है गूगल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अब यहाँ पे आ रहा है ना गो टू गूगल, अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं इस इमेज पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इस इमेज पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार हम इमेज टैग को ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज टैग को ऐड करना HTML में इतना सिंपल है, मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ img एंटर और सोर्स डाल दो, कुछ भी सोर्स मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। कॉपी एंड देन पेस्ट डाल दिया सिंपल, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ alt। alt तो मैंने आपको नहीं बताया alt का एट्रीब्यूट क्या होता है, थोड़ी देर में बता दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूंगा और यहाँ पे आऊंगा तो मेरे को मिल गई, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं गूगल पे पहुंचूं, तो वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज के अंदर मैं यहाँ पे एक एंकर टैग दूंगा और इस एंकर टैग के अंदर मैं ये पूरा इमेज पाथ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं एचडीएफ देना चाहूंगा https://www.google.com, फाइन मैंने लिख दिया, wait a minute, फाइन। अब अगर मैं फिर से जाऊंगा और इस इमेज पे क्लिक कर दूंगा तो मैं गूगल पे पहुंच गया, ठीक है। क्लिक करा गूगल पे पहुंच गए, बट पता है मैंने करा क्या, एंकर टैग के अंदर यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट लिख सकता था मैंने टेक्स्ट ना लिख के एक इमेज पाथ को डाल दिया है, जिसकी मदद से मैं इमेज पे अगर क्लिक करूंगा तो मैं google.com पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ऑल्ट का काम क्या होता है। ऑल्ट का सिंपली काम होता है कि अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आया, अब उसका इंटरनेट स्पीड जो है बहुत स्लो है, ठीक है, किसी कारण की वजह से इमेज लोड नहीं हो पाई, तो उसकी जगह पे क्या लिखे, उसकी जगह पे लिखे हेलो, ठीक है। वैसे कुछ और लिखना, मैंने ऐसे ही मजाक में लिख दिया, बट ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब मैं बताता हूँ शो क्यों नहीं हो रहा है। अब अगर ये जो है अगर मैं इसको हटा दूंगा तो हमारी जो फाइल पाथ है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो लिखा आ चुका है, हमारी जो फाइल का पाथ है वही गलत है, तो यहाँ पे लिखा आ चुका है हेलो। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना तो समझ आ ही चुका होगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि एंकर टैग का काम क्या होता है, हमने कुछ एट्रीब्यूट के बारे में जाना, जैसे कि टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि अगर कोई इमेज पे क्लिक करे तो वो दूसरी वेबसाइट पे कैसे पहुंच सके, और हमने इमेज टैग को भी ऐड करके देखा। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड आपको मेरे से कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज 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 पूछना, क्योंकि मेरे को आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।